तो थंबनेल देखकर टाइटल देखकर समझ आ गया होगा वीडियो किस बारे में है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट। तो बाइक की दो साइड होती हैं, दो साइड पैनल्स लगे होते हैं, ये तो सभी को पता है। एक साइड इसकी चाबी से खुल जाएगी यहाँ से, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। दूसरी साइड खोलने के लिए एलन कीज चाहिए, वो मेरे पास है नहीं, लेकिन जब एलन कीज या स्क्रूज चाहिए, एलन की चाहिए हाँ, तो वो मेरे पास है नहीं एलन की टूल्स वगैरह। लेकिन जब मैं सर्विस कराने गया था बाइक की, तो उन्होंने जब खोल रहे थे तो मैंने वीडियो बना ली थी कि देखना था उसके अंदर है क्या। तो पहले आप वो साइड देख लीजिए वो वीडियोस, क्योंकि वो ऐसी बड़ी वो मैं एडिट करके इसमें सीधी डाल दूंगा, वो आप देख लीजिए उसमें है क्या चीज़। असल में एयर फिल्टर सा होता है एंड और तो कुछ नहीं होता। और दूसरी साइड मैं आपको उसके बाद दिखाता हूँ। जैसे वो यहाँ पे खोल रहे थे तो उनसे सही से खुल नहीं रहा था, और उनको भी वो पता नहीं था कि कहाँ पे क्लिप लगे हैं। और उसके बाद वो अपने किसी दूसरे कोलीग को बताते हैं, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल था, प्रोफेशनल नहीं कह सकते एक्चुअली, उसको पता है क्योंकि उसने मीटियर की सर्विस ऑलरेडी कर रखी है। इन्होंने नहीं की थी और इनको पता नहीं था कैसे खोलना है, तो वो अभी उसको बुलाएंगे, वो आके खोल देगा। दैट्स व्हाट शी सेड। और मैं आगे कर देता हूँ थोड़ा। वो बंदा आता है, अब वो जो मैंने होल्स आपको दिखाऊंगा, वो वहाँ से उंगली डाल के उनको पीछे को खींचता है और उससे वो साइड पैनल वाला खुल जाता है। इसमें देखिए अब आपको वो दिख रहे होगा एयर फिल्टर, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। ये एक स्क्रूज उन्होंने खोल दिया था, ये दूसरा खोल रहे हैं अभी। तीन स्क्रू लगे होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, मैसेज आ गया। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और ये फिर उसमें से निकला ये एयर फिल्टर। ये बस वो इसको किसी लिक्विड वगैरह से साफ़ नहीं करते, ये एयर के प्रेशर से साफ़ कर देते हैं और वैसे ही डाल देते हैं। अंदर से अच्छे से साफ़ करवा लीजिएगा जब भी आप सर्विस करवाने जाओ। क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए सर्विस के टाइम, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बैठकर आराम से सब बताऊंगा कि मैं कैसे सर्विस करवाता हूं और कैसे आपको भी करवानी चाहिए। अगर आपको वो देखनी होगी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो आप चैनल पे सर्च करना पड़ेगा आपको फालतू में, इसीलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर अनसब्सक्राइब करना होगा वो तो आप किसी भी टाइम कर भी सकते हो, वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे उन्होंने एयर फिल्टर साफ सूफ करके अंदर डाल दिया था और अब वो स्क्रूज लगा रहे हैं। तो ये हिस्सा खोलने के लिए चाबी तो आपको चाहिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मीटियर की चाबी यहाँ पर लिखी हुई थी, और ये अकेला ये इतना इतना पार्ट नहीं निकलता, ये भी साथ में निकलता है, तो आपको यहाँ से पकड़ के खोलना होगा। ये फाइबर का है, मेटल का नहीं है, इसलिए इसके यहाँ पे क्लिप्स लगे हैं और टूटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा, इसलिए ध्यान से खोलना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ओपन किया, यहाँ से पहले यहाँ से ऊपर खींचिए, फिर एक तो यहाँ पे क्लिप होता है इसका, पूरा ध्यान से एक इधर उधर करके खोलिए इसको। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ इसको खोलना। टूटना जाए बस, हाँ ये देखिए ये था वो, ये अंदर ऐसे फंस जाता है उसके साथ। तो इसको ध्यान से खोलकर इसको मैं साफ कर लूँगा अभी, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर क्या है। ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा इसमें आप पेपर्स वगैरह डाल सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी जगह नहीं होती, इसलिए मैं पेपर कैरी करके चलता हूँ। ये है बैटरी इसकी, एक सेकंड ऑन तो नहीं है ना, नहीं, ये बैटरी है इसकी, ये इसके ऊपर टूल बॉक्स है। ये बहुत सही चीज़ लगी मेरे को, इसका एमरजेंसी स्विचेस भी दे रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये एक्स्ट्रा एमरजेंसी स्विचेस हैं ये वाले, अगर इनमें से कोई ख़राब होता है आप निकाल के
ऐसे डाल सकते हो। तो ये तो वो चीज़ आ गई, कपड़ा ले आइए इधर साफ़ कर दिया। तो और ये रबर बैंड है ताकि टूल बॉक्स हिले ना ज़्यादा, खड़के ना, ये दोनों साइड से निकल जाएगा। और ये हमारा टूल बॉक्स, इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या है। जो जो टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप कहीं लेके गए हो तो वो सारे हैं इसमें, ठीक है। और आरी की ओरिजिनल पेचकस वगैरह, और ये भी बहुत सही चीज़ है। ये क्या चीज़ है, ये वो है, ये एलन की तो हो गई। हाँ फिर मैं क्यों बोल रहा था, मेरे पास एलन की नहीं है, तो उसको भूल ही गया, सॉरी। तो ये जो है ये अभी निकल नहीं रहा, निकल जा। हाँ इससे वो आप ऐसे स्क्रूज वगैरह ऐसे खींच सकते हो, ये वो चीज़ आ गई। तो इसको मैं अभी रख देता हूँ। तो ये इसके अंदर डाल दिया है, फिर इसके बाद इसको ऐसे बंद कर देना है यहाँ से। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, या तो आपको टूल बॉक्स निकालना पड़ेगा अपने पेपर्स डालने के लिए, लेकिन वो मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैं पेपर्स कैरी कर लूँगा। यहाँ पे वायर्स वगैरह भी हैं थोड़ी बहुत, जिसका मेरे को कोई रोल नहीं पता किस कहाँ क्या जा रही है, कहाँ क्या जा रही है। और इसको लगाना कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। पहले आप ये देखिए, ये होल है ना यहाँ पे नीचे, ये होल है ना यहाँ पे, आपको ये चीज़ फंसानी होती है मेनली। यहाँ से तो कुछ नहीं फंसाना, यहाँ पे बस ऐसे ढकता है, ये होल में ये फंसाना होता है बस। वो आप ध्यान से देखिएगा, इधर से ये अंदर चला गया, इधर से ये अंदर चला गया, ठीक है। और इसको इधर करके दबा देना हमने, ठीक है, वो आपको टक की आवाज़ आ जाएगी। और इसको हमने नीचे करके ऐसे बंद कर देना, इसका कोई टक टक कुछ नहीं पता लगता कि हाँ लगा है कि नहीं लगा, लेकिन तब खींच के देखो इसको, हाँ लगा है ये कि नहीं लगा। तो यही थी वीडियो, अगर आपको सब्सक्राइब करना होगा कर देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ऐसी छोटी मोटी वीडियोस में लेके आता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।